अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस मस्ट काजल लुक। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह किया है, देन कीप ऑन वॉचिंग। ऑल्सो इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, देन डू सब्सक्राइब। आई एम यूजिंग प्लेजोना का इंस्टेंट स्मूथर जेल प्राइमर एंड आई एम जस्ट अप्लाई ऑन माई फेस। उसके बाद मैं इसको लाइक एक दो मिनट के लिए सेट कर लूँगी, उसके बाद आई पुट माई फाउंडेशन ऑन। फॉर फाउंडेशन आई एम गोना यूज़ मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन। इसको मैंने पूरे फेस और नेक पे लगाने के बाद अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है उसको ब्लेंड कर देंगे। एंड जस्ट गोना ब्लेंड इट आउट। सो आई एम डन विद माय फाउंडेशन। अब कंसीलर के आई एम गोना यूज एले गर्ल का प्रो कंसीलर। सो मैंने कंसीलर अंडर आइज के नीचे लगा लिया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ दूंगी। एंड अब तब तक मैं अपना आईब्रोज बनाती हूँ। उससे होगा कि जो कंसीलर की लेयर है वो थोड़ी थिक हो जाएगी और कवर ज़्यादा होगी। ओके, फॉर आईब्रोज आई एम गोना यूज़ अ डार्क ब्राउन शेडो। और जो है मैं इनको नेचुरल रखने वाली हूँ, मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाली। दिस इज इट। अब मेरे आईब्रोज आर कम्प्लीटली डन। अब जो मैंने कंसीलर लगाया हुआ है इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। As you can see, एले गर्ल का प्रो कंसीलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ड्रग स्टोर कंसीलर्स। फॉर दी ब्लश आई एम गोना यूज़ दिस एलिजम ब्यूटी का लिप एंड चिक टिंट। इसको लगा के बेकिंग के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ बी क्यूट का लूज पाउडर। गर्मियाँ आ गई हैं और अब अच्छे से पाउडर को लगाने का टाइम भी आ गया है, क्योंकि गर्मियाँ आती हैं तो पसीना भी आता है और फिर इस तरह मेकअप भी ख़राब होता है। वी आर कमिंग टू आवर मेन पार्ट जो कि हैं हमारी आँखें। और आँखों के लिए आई एम गोइंग यूज़ इन ग्लोट का लाइनर। उसी को मैं एज अ काजल अपनी आँखों के अंदर डालूँगी। ठीक है, थोड़ा सा लाइक मैंने बैक ऑफ ब्रश लिया। I'm just gonna put it inside my eyes. इसी तरह हम दूसरी आंख में डाल लेते हैं। सो काजल मैंने अपनी दोनों आंखों में डाल ली है। अब जो है काजल को यहाँ पे लगाना है, अपर आई लैश लाइन पे। टेढ़ा मेरा भी लगा देंगे, दैट्स ओके, क्योंकि बाद में आपने उसको स्मज ही कर देना। सो येस, मैंने लगा दिया है एज अ आई लाइनर, एंगुलर ब्रश टाइप हो। और फिर हमने इससे जो है अपना आंखों के अंदर वाला काजल और जो ऊपर लगाया इसको स्मज करना है। टेक दिस चॉकलेट ब्राउन शेड एज यू कैन सी। अब सेम ही जो नीचे वाली हमारी लाइन पे लगा हुआ है लाइनर, इसको हमने करना है स्मच विद द सेम शेड। अपनी आई इस तरह कर लें आँख को थोड़ा, ताकि आप इजीली कर सकें। और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि बहुत ही प्रोमिनेंट सेपरेट लाइन मत लगे ऊपर वाली। इसके साथ आई एम जस्ट गोना, मैंने ब्रश पे जो है कुछ नहीं लगाया था। सो दैट्स हाउ माय आईज आर लुकिंग। I'm gonna use Wet n Wild का highlighter in the shade Precious Pearl. I am filling my lips with the same lip liner. ये हल्का सा pink touch दे देगी lips को। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं हल्का सा इसको लाइट शेड कर दूँ लिप्स का, जिसके लिए मैं थोड़ा सा कंसीलर लूँगी। एंड दिस इज हाउ माय होल लुक टर्न्ड आउट।
आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है देन डू कॉमेंट, मैं आप लोग को सवाल का जवाब दे दूंगी. प्रोडक्ट डिटेल्स भी आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.